चौथे चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है। 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 27.12% मतदान हुआ है। धौरहरा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जो कि मतदान प्रतिशत है वो 29.79% का है। कानपुर की बात करें तो यहां पर सबसे कम मतदान हुआ है, 21.36% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि शाहजहांपुर में 25.05% मतदान, वहीं खीरी में 29.20% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं पर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में 29.29% मतदान हुआ है। हरदोई में 27.12% मतदान हुआ है। इस वक्त शाहजहांपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 25.05% मतदान। मिश्रिख की बात की जाए 27.27% मतदान हुआ है। वहीं सीतापुर में 29.29% मतदान दर्ज किया गया है। तो देख रहे हैं आप वोटिंग परसेंटेज, अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। धौरहरा में 29.79% मतदान अब तक हो चुका है, यानी कि वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और खीरी की बात करें 29.2% यहां पर मतदान हो चुका है। इसी तरह से दूसरी जगहों का मतदान फीसदी अगर देखें तो हरदोई में 27.12% मतदान अब तक हो चुका है और धीरे धीरे वोटर्स लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि दोपहर में थोड़ा कम है वोटिंग परसेंटेज। उन्नाव की बात करें 27.09% मतदान अब तक हुआ के, और फर्रुखाबाद में 27.88% मतदान अब तक हुआ है। नीलू, तो मतदान का प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं, अब तक करीब करीब 20-30% के बीच में ही मतदान का प्रतिशत रहा है। सबसे ज्यादा 29.11 मतदान का प्रतिशत कन्नौज में, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं अब तक का सबसे अच्छा मतदान प्रतिशत है। शुरुआत में थोड़ी सी धीमी थी यहां पर मतदान की गति, लेकिन धीरे धीरे ये तेजी पकड़ने लगी। उन्नाव में 27.09, वहीं मिश्रिख में 27.23%, जबकि अकबरपुर की बात की जाए तो 25.60% यहां पर मतदान दर्ज किया गया है। इटावा में अभी कम है मतदान प्रतिशत, यहां पर 24.68%। वहीं शाहजहांपुर की बात की जाए 25.05, सीतापुर में 29.29 और हरदोई में 27.12% अब तक मतदान दर्ज किया गया है। तो अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे हैं, और अभी दोपहर में थोड़ा सा धीमी ये गति रहेगी, लेकिन शाम को 4 बजे के बाद एक बार फिर से फ्लक्चुएट हो सकता है मतदान प्रतिशत, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि गर्मी होने की वजह से दोपहर में लोग कम पहुंच रहे हैं। अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है मानकर चला जा सकता है कि कह सकते हैं कि 2 से 3 बजे तक इतना ही मतदान प्रतिशत रहेगा, 30-35% के आसपास, और सबसे ज्यादा 29% मतदान अब तक हुआ है। और अब तक का जो मतदान प्रतिशत है सिलसिलेवार तरीके से आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और फर्रुखाबाद से खबर मिल रही है, यहां पर सीट के नगला में वोट का बहिष्कार लोगों ने किया है। हम आपको बता दें नगला सुभान के बूथ नंबर 93 पर बहिष्कार हुआ है। सुबह से यहां पर एक भी वोट नहीं पड़े हैं, विकास नहीं होने से नाराज है ग्रामीण, और यही वजह रही है कि अब लोग वोट करने नहीं निकल रहे हैं। सुबह से एक भी वोट यहां पर नहीं पड़े हैं। नगला सुभान के बूथ नंबर 93 का ये मामला है। लोगों ने विकास की बात कही थी, लेकिन जब विकास नहीं हुआ तो इससे नाराज होकर अब ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते दिखाई दे रहे हैं। इस सीट पर अब तक एक भी वोटिंग नहीं हुई है। तो अलग अलग जगहों का हाल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और इसी बीच चुनाव के बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। क्या है ये वीडियो संदेश वो हम आपको बताएंगे। सोनिया गांधी ने अपने वीडियो संदेश में महंगाई का मुद्दा उठाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि महंगाई से खासकर महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस की योजना से महिलाओं की स्थिति बदली है। गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। कर्नाटक और तेलंगाना का भी जिक्र किया कि सरकार ने यहां पर लागू भी कर दिया है। सुनिए क्या कहा है सोनिया गांधी ने। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना, हम गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। कर्नाटक और तेलंगाना में पहले से ही हमारी गारंटी ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। चाहे मनरेगा हो, चाहे
सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो और भोजन सुरक्षा जैसी हमारी योजनाओं से कांग्रेस पार्टी ने लाखों भारतीयों को ताकत दी है। महालक्ष्मी इस काम को आगे बढ़ाने की हमारी सबसे नई गारंटी है। तो चौथे चरण का इस वक्त मतदान चल रहा है। चौथे चरण में जो चुनावी दिग्गज हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कुछ जगह लोग उम्मीदवार में हैं और उन सब जगहों की तस्वीरें अब हम आपको दिखा दे रहे हैं। चौथे चरण में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वेंकैया नायडू, अर्जुन मुंडा, मोहन यादव, फारूक अब्दुल्ला, पवन कल्याण, असुद्दीन ओवैसी, माधवी लता, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, जी किशन रेड्डी, वाई एस जगनमोहन रेड्डी, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, एस टी रामाराव, इसके अलावा अग्नि मित्र पॉल और जितिन प्रसाद ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 93 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहे हैं और अलग अलग सीटों पर जो दिग्गज हैं उन्होंने अपना वोट डाला है। एक नामी गिरामी चेहरे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, उन सबकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद ने अपना वोट कास्ट किया है, सतीश महाना उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इसके अलावा कन्नौज उत्तर प्रदेश में जो जो कहां कहां से कौन कौन खड़ा हुआ है, जो बड़े दिग्गज हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस सीट पर अखिलेश यादव है कन्नौज से, हैदराबाद तेलंगाना की बात की जाए असुद्दीन ओवैसी, गिरिराज सिंह बीजेपी बेगूसराय बिहार से है, कृष्णानगर पश्चिम से महुआ मोइत्रा है, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बहरामपुर पश्चिम बंगाल, आसनसोल पश्चिम बंगाल से शत्रुघ्न सिन्हा, ललन सिंह जेडीयू से मुंगेर बिहार और कूटी झारखंड से अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया कि कौन कौन से बड़े दिग्गज जो वोट डालने के लिए पहुंचे और कहां कहां पर इन्होंने वोट डाला है, कहां कहां पर वोट कास्ट किया है, वो भी हमने आपको बताया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने राहुल गांधी और अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता है और जनता राहुल गांधी के खटाक का जवाब बीजेपी की हैट्रिक से देगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पांचवी बार हार का रिकॉर्ड बनाए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो अजय मिश्रा टेनी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है, जुबानी हमला बोला है। क्या कुछ बोले हैं अजय मिश्रा टेनी, सुनवाते हैं आपको। ये वो कह रहे लिख के ले लो खटाक। राहुल गांधी को देखिए देश में कोई गंभीरता से नहीं लेता है और वो खटाक खटाक बहुत बार से कर रहे हैं। मैं लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से उनका मुकाबला हुआ है तो एक बार भी वो संवैधानिक रूप से जो 10% सीट होना चाहिए उसका आंकड़ा नहीं पार कर पाए और उस कारण वो कभी भी प्रमुख विपक्षी दल के नेता का पद उनको नहीं मिल पाया। प्रमुख विपक्षी दल तो रहे लेकिन नेता विरोधी दल का जो होता है वो वाला जो उनका कैटेगरी था वो नहीं पा पाए। तो इस दृष्टि से भाई पिछली बार भी 54 थी, 543 में हम लोगों को चाहिए थी उनको 55 सीट तभी उनको मिलता और उससे पहले शायद मेरे ख्याल में कितनी थी 44 या कुछ इस तरह की थी। और अब की बार भी जैसे है मुझे लगता है अब की बार उनको 40 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल। आपको लगता है कि खटाक का जवाब जनता हैट्रिक से देने वाली है, आपकी भी हैट्रिक लगने वाली है और सरकार की भी हैट्रिक लगने वाली है? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता के हाथ में ही सारी चीजें होती है और जनता ने जैसे तय कर लिया है, चुनाव में एक भी वोट नहीं पड़ा था उससे पहले ही देश के लोगों ने चुनाव लड़ना प्रारंभ कर दिया था और कह रहे थे कि अब की बार 400 पार आएगा तो मोदी ही। और अखिलेश यादव का चार बार हो गया है, चार बार से लगातार चुनाव हार रहे हैं, पांचवी बार हारेंगे, वो रिकॉर्ड वो भी बनाएंगे। और यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज में वोट डाला है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कन्नौज का चुनाव लग्जरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बीच है। और जैसा मोदी जी ने हम लोग से अपेक्षा की थी कि सुबह सुबह सब लोग उत्सव के माहौल में निकले वोट दें, इसी प्रकार वोटिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में। सुब्रत पाठक जी के लिए एक बहुत बड़ी लहर
यहाँ पे है, अब वो जमीन पे दिखना शुरू हो गई है और 4 जून को हमारा विश्वास है कि एक बड़ी जीत हम लोग कन्नौज से दर्ज करेंगे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं जी और उनके सामने सुब्रत पाठक चुनाव है, तो कहीं ना कहीं कैसे आप टक्कर मानते हैं क्या? फरुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अलीगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक सत्यपाल सिंह ने वोट डालने के बाद कहा कि बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने जा रही है, सुनिए। मैं चौथे चरण में मतदान लगातार सुबह से जारी है, मैं अलीगंज विधानसभा क्षेत्र मौजूद हूँ। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के भाजपा विधायक सत्यपाल सिंह राठौर अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए आए, इसे जानते हैं किस तरीके की जो है माहौल देखने को मिल रहा है, क्या उत्साह है वोटरों? अब उत्साह तो आप देखिए, लाइन लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष मतदान कर रहे हैं, और चूंकि हमारा वोट जो है हमारे गांव से हटके इस बूथ पर है, यहीं वोट डालने आए। आप परिवार साथ वोट डालने आए हैं, प्रदेश में जो है 80 में से 80 सीट भाजपा की बात कर रही है, इधर सपा लगातार कह रही है कि वो 79 सीट जीत रहे, एक पे उनको टक्कर, क्या कहेंगे?